देखें जी, नरेंद्र मोदी को देखें ना हम लोग, तो हम सब में एक नरेंद्र मोदी है। अगर मुहिब्बे वतन, आप मजहब को छोड़ दें, अगर वो मुहिब्बे वतन है तो वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है तो उसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए पाकिस्तान। मैडम ये ज्यादती होगी अगर हम ना अपने आप को कंपेयर करें उनके साथ, किसी तरह भी हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। और दुनिया ने नरेंद्र मोदी को पैगाम भेजने शुरू कर दिए हैं कि हमारे में जज्बा खत्म हो गया है, वो जज्बा पैदा कर लें तो हम भी वही मान जाएंगे। जज्बा कैसे पैदा होता है? वो ऐसे पैदा होता है कि जब आप मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे तो सारा निज़ाम अच्छा, मतलब वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचता है जी। ये हम दुनिया को दिखा रहे होते हैं जो हम लोग मुस्लिम हैं, ये हम गैर मुस्लिमों को दिखा रहे होते हैं कि हम लोगों में इत्तेफाक कितना। आपने हर मजहब के साथ पहला वर्ड पाकिस्तानी जोड़ा है, इसका मतलब है कि हर कम्युनिटी का हर जितना भी मजाहिब यहाँ पर मौजूद है उन पर पाकिस्तान पर उनका उतना ही हक है। तो आपके लिहाज से क्या गैर मुस्लिम प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की गद्दी पर बैठने चाहिए पाकिस्तान में? या समझते हैं कि हमारे जो मुस्लिम ममालिक है वो इतना क्यों पसंद कर रहे हैं इंडिया को? देखें फर्स्ट ऑफ ऑल, ये तो ये कि ये मोदी का थर्ड टर्न हो रहा है, ये तीसरी दफ़ा वो बन रहे हैं, ठीक है, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा फेमस है और वो इंडिया में इस तरह के काम कर रहे हैं जिसको देखकर बाहर के लोग बड़े अट्रैक्टिव हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो, अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई, ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में ना हम एक बार फिर से देखने वाले हैं कि पाकिस्तान की पब्लिक का रिएक्शन। हम यहाँ पर अलग अलग वीडियो क्लिप में देखेंगे जहाँ पर भारत को लेकर बातचीत की जा रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को लेकर बात की जा रही है कि किस प्रकार से दुनिया भर से जो है ना प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के लिए जो है ना शुभकामनाएँ आ रही हैं, उनको जो है ना कॉन्ग्रेचुलेशन बोला जा रहा है कि वो तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। इसके अलावा पाकिस्तानी भी यहाँ पर ये कह रहे हैं कि उनको भी मोदी बनना पड़ेगा। तो काफ़ी मज़ेदार वीडियो होगी, आप पूरी जरूर देखना, लाइक करना, शेयर करना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी कैसे लीडर लगते हैं आपको? पाकिस्तान के लिए अच्छे हैं क्या? उनके आने से हालात बेहतर हो सकते हैं या नहीं? देखें जी, नरेंद्र मोदी को देखें ना हम लोग, तो हम सब में एक नरेंद्र मोदी है, लेकिन कोई इंसान जो ना इस चीज़ का हौसला नहीं करता। हम सब में एक नरेंद्र मोदी है, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे में जज्बा खत्म हो गया है, वो जज्बा पैदा कर लें तो हम भी वही मान जाएंगे। जज्बा कैसे पैदा होता है? वो ऐसे पैदा होता है कि जब आप मुल्क के लिए अच्छा सोचेंगे तो सारा निज़ाम अच्छा, मतलब वो अपने मुल्क के लिए बहुत अच्छा सोचता है जी। तो आपको लगता है कि उनके जैसा जज्बा पैदा करके तो हम तरक्की कर सकते हैं? नहीं जी, ये बात ये नहीं है, असल में बात ये है कि जो मुहब्बे वतन है ना जी, वो कामयाब है, वो किसी भी मुकाम पे खड़ा है। हम आप मुहब्बे वतन, मैं और आप नहीं है? जैसे कि हमारे में मुहब्बे वतन इमरान खान साहब हैं, ठीक है, उन्होंने मुल्क के लिए अच्छा सोचा, काफ़ी लोगों के लिए बेहतरी की, लोगों को अच्छा गाइड किया। मियां साहब भी हैं अच्छे आदमी, वो उन्होंने मियां साहब और नरेंद्र मोदी के तलुकात आपस में बड़े अच्छे हैं, तो अभी तक मियां साहब ने उनको मुबारकबाद क्यों नहीं दी? देखें जी, बात ये है कि ये सियासी मामला हैं, ये वो ही बेहतर जान सकते हैं। बिल्कुल सही, मतलब आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे लीडर हैं अपने मुल्क के लिए? हाँ, हकीकत है, इस बात को हम जाया नहीं कर सकते। तो आप इनकी बात को मानते हैं कि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, ये कह रहे हैं? हाँ, अपने मुल्क और हिंदुत्व के लिए जो है ना वो बहुत अच्छे जा रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, मुस्लिम हिंदुत्व को प्रेफरेंस कर दे रहे हैं। नहीं नहीं, वो सभी के लिए सही है, ऐसे ही झूठ की बातें हैं, क्योंकि इसलिए कि हम अपनी सोच के रखें कि नहीं जी वो हिंदू हैं तो वो मुस्लिम के लिए अच्छे नहीं, जो मुस्लिम के लिए अच्छा है वो हिंदुओं के लिए अच्छा नहीं। मेन मसला सियासत इसी का नाम है कि वो सबके लेके साथ चले। आइएगा, जिस तरह से हमारे मुस्लिम ममालिक इंडिया की तरफ झुकाव कर रहे हैं, इवन के मुस्लिम ममालिक के अंदर इंडियंस को वीजा फ्री एंट्रीज भी अब मिल रही हैं, काफी ज्यादा वीजा प्रोवाइड किए जा रहे हैं, बकौल पाकिस्तान के अंदर जो है वीजा की 24 सिटीज जो बैन की गई हैं वो दुबई ने की है और अब उस तरह से वीजा नहीं मिल रहे। क्या आप समझते हैं इंडियंस को इतना एज क्यों दिया जा रहा है? क्या एक रीजन सिर्फ मोदी ही है? नहीं, देखिये, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फॉरन पॉलिसी है ना हमारी, वो आजाद नहीं है। फॉरेन पॉलिसी आज़ाद नहीं होगी तो कोई भी कंट्री हमारे साथ रिलेशन नहीं बनाएगा। बाइलेटरल ट्रेड तब भी लोग करेंगे जब हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी, जब हमारे कंट्री में इफेक्टिव लीडरशिप होगी, जब लोग यहाँ पे लीडरशिप बल्कि पड़ी है जेल में, तो यहाँ पे अनऑफिशियली हमारा मिलिट्री रूल चल रहा है और सारी दुनिया को पता है कि ये अनऑफिशियली मिलिट्री रूल है, ये डेमोक्रेटिकली हम कोई भी काम नहीं कर रहे। इसलिए इस कंट्री से हर कोई चाहता है कि बाहर चला जाए, ब्रेन ड्रेन। आपको पता है कि रिसेंटली कितने लाख लोग चले गए, इवन के
यहाँ पे हम तके खा रहे हैं चार चार साल से, छः महीने चेयरमैन नहीं आता, छः छः महीने टेस्ट नहीं होते, अगर कोई होता है दो साल रिजल्ट नहीं आता। तो इस तरह ये कोई इस तरह का कोई सीन ही नहीं है कि मेरिटोक्रेसी का नाम ही नहीं है। सर, अगर ऐसे ही चलता है आपको लगता है कि हम इंडिया का मुकाबला कर पाएंगे? जिस तरह से बड़े मुमालिक छोटे मुमालिक जितने मुमालिक हैं इंडिया के मोदी को प्रेस कर रहे हैं, इंडियंस को प्रेस कर रहे हैं, क्या हम उनके मुकाबले में खड़े हो पाएंगे आने वाले चंद सालों में भी? देखिए मैडम, ये ज्यादती होगी अगर हम ना अपने आप को कंपेयर करें उनके साथ। किसी तरह भी हम अपने आप को उनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम करप्शन इंडेक्स में टॉप पे हैं। हमारा हमसे जो नीचे दो कंट्री हैं वो सोमालिया और अफगानिस्तान के जो पासपोर्ट हैं। हम कीनिया से भी नीचे चले गए हैं, हमारा थर्ड वर्स्ट पासपोर्ट के लिहाज से हमें, और करप्शन में। और आप आगे देख लें कि हमारे जो अदालतें हैं, हमारा जुडिशियल सिस्टम है इतना वीक है कि वो ऑर्डर करते हैं जज और आगे कोई अमल नहीं करता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक हमारी इफेक्टिव लीडरशिप नहीं होगी, जब तक हमारे लॉज पे कॉन्स्टिट्यूशन पे अमल नहीं होगा, जब तक ये मिलिट्री वालों से जान नहीं छूटेगी जो स्पेशली हमें टॉर्चर करते हैं। अगर और जॉर्जिया मेलोनी का जो पैगाम है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी साहब आपको इलेक्टोरल कामयाबी जो है वो मुबारक हो, अभी उनके पास मेजॉरिटी नहीं आई। ये है क्रेडिबिलिटी। इसे बोलते हैं कि दुनिया आपके साथ हर कीमत पे चलना चाहती है। वो कहते हैं हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। इट मींस कि जो इटालियन एम्बेसी है न्यू दिल्ली के अंदर, उन्होंने बेसिकली अपनी हुकूमत को, फॉरेन ऑफिस को ये कहा, फॉरेन ऑफिस ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को ये कहा कि आप मुबारक दे सकते हैं क्योंकि वो इस पोजीशन में हैं कि वो हुकूमत बना सकते हैं। सो पूरे यूरोप के अंदर और पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड के अंदर अगर कोई पहली लीडर है जिसने पैगाम भेजा है तो वो इटालियन प्राइम मिनिस्टर है, जो कि G7 भी होस्ट कर रही है मेरा ख्याल है इसी महीने, शायद जून में या जुलाई में। सो आप अंदाजा लगाएं कि नरेंद्र मोदी कोलेशन में है। नरेंद्र मोदी के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं आई, लेकिन क्योंकि उनके अलायंस के पास मेजॉरिटी आ गई हुई है, सो दैट इज वेयर द क्रेडिबिलिटीज। यहां पे है क्रेडिबिलिटी। यहां पे है क्रेडिबिलिटी कि अभी अभी वो जीते नहीं है, मतलब उन्होंने ओथ नहीं उठाया। और श्रीलंका के हर शख्स ने, साबक सदर, मौजूदा सदर, पिछले सदर, आने वाले सदर, मतलब उधर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, और नरेंद्र मोदी का अगर आप ट्विटर हैंडल देखें तो वो हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, हर एक को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। डिस्पाइट भूटान जो है उसकी लीडरशिप ने भी रिस्पॉन्ड कर, वजीर आजम ने पैगाम भेज दिया कि जी हमें बड़ी वो जिसे कहेंगे ना खुशी है आपकी जीतने की है ना, जो जिस तरह फिर होता है। अभी नरेंद्र मोदी को पूरा मतलब वो जो जिसे कहते हैं उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी, उन्होंने अपनी स्पीच नहीं की थी नरेंद्र मोदी ने, और उन्होंने उनको ये सारे के सारे सिग्नल्स जो हैं वो चले गए। ये चीज है मैं देखता हूं, इसको हम बोलते हैं क्रेडिबिलिटी, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन देखा है, पाकिस्तान की जो पब्लिक है ना अक्सर इस बारे में बात करती रहती है कि भारत किस प्रकार से तरक्की कर रहा है, भारत के अंदर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने किस प्रकार से जो है ना इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, और भारत का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो कितने बिलियन डॉलर में पहुंच चुका है। तो भारत की तरक्की को लेकर हम अक्सर देखते हैं कि पाकिस्तान की मीडिया में पब्लिक का रिएक्शन लिया जाता है और जो है ना बातें होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान की पब्लिक जैसा कि इस वीडियो के अंदर भी आपने सुना होगा पाकिस्तानी सिटीजन को, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर ऐसा होना मुश्किल है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं होती है। हमेशा जब भी पाकिस्तान के अंदर चुनाव होते हैं तो किस प्रकार से हमको पता ही है कि उनकी जो आर्मी है वो किस प्रकार से जो है ना उसमें दखल अंदाजी करती है, अपने हिसाब से जो है ना लीडर वो लेकर आती है, और फिर पूरे 5 साल तक भी उनको रहने नहीं दिया जाता है। 2-3 साल वो अगर प्राइम मिनिस्टर की सीट पर बैठे भी रहते हैं तो वो जो आर्मी चाहती है उसी प्रकार का पाकिस्तान के अंदर काम होता है। तो ये जो निज़ाम है पाकिस्तान का, इससे पाकिस्तानियों को भी पता है और वो इसके लेकर बातचीत भी करते रहते हैं, लेकिन खुलकर वो कुछ कर नहीं सकते हैं। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।